पिथौरागढ़ में जिला अस्पताल में दो महीनों में चार गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई है। मामले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार महिला की डिलीवरी हो गई थी, लेकिन रक्तस्राव नहीं रुक रहा था। मामले में जिसकी भी जिम्मेदारी होगी उसको सुनिश्चित किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अभी जो उसके बारे में जो रिपोर्ट हमको मिली है कि उस महिला के बच्चा तो हो गया था लेकिन रक्त स्राव नहीं रुका, इसके कारण उसकी मौत हुई है। अब उसके जिम्मेदार विभागीय डॉक्टर हैं या कोई अन्य कारण है वो जानना पड़ेगा। सर, जनता आपकी इस पहल। तो आपको बता दें कि जिस तरह से गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला बढ़ रहा है उसको लेकर सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं अस्पताल पर, प्रशासन पर, और ऐसे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर इस मामले पर बातचीत करते हुए ये कहा है कि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिरकार चूक यहां पर किसकी है। तो सीएम ने कड़ी कार्रवाई की बात की है। हालांकि उनका कहना है कि रक्तस्राव के चलते ये मामला सामने आया है, लेकिन फिर भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिरकार गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई और इसका जिम्मेवार कौन है।